हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। उत्तर प्रदेश बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा बुंदेलखंड यूनिवर्सिटीज पर करा रहा है, तो आवेदन निर्देशक पुस्तिका है और इसमें कुछ बदलाव भी किए गए हैं, इंपॉर्टेंट अपडेट है। और जो फीस है ना, थोड़ा सा डियर वो बढ़ा दिया गया है, थोड़ा सा अपसेट कर सकता है आप लोगों के लिए। तो ये आप लोग देख सकते हैं पृष्ठ संख्या, और चलते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है आपका शैक्षिक अर्हता, जो भी मैं आपको अपडेट कर रहा हूँ शैक्षिक अर्हता से, एजुकेशन एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। तो सेम एट इज़ है जैसे कि हर वर्ष रहता है। अगर आपका 50% है, सिंपल सा, अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है राइट, विज्ञान से, सामाजिक विज्ञान से या कॉमर्स से, एग्रीकल्चर से, तो 50% है तो आप एलिजिबल हो। और बीई बीटेक वाले बच्चे हैं तो वो उनका भाई 55% उनके लिए एलिजिबल क्राइटेरिया रहता है, ठीक है। ये तो प्रत्येक वर्ष के लिए है, तो एज इट इज़ है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। अनुसूचित जनजाति है तो उनके लिए भी सेम इट इज़ है, जैसे कि पिछले साल दिया जाता है। कि इनको केवल यहाँ पर दिया गया है कि अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी केवल विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय के स्नातक या स्नातकोत्तर उपाधि उत्तीर्ण अथवा गणित विज्ञान में विशेषज्ञ के साथ बीई बीटेक में स्नातक उपाधि अथवा उपरोक्त के समतुल्य कोई अर्हता वाले अभ्यर्थी इसमें शामिल हो सकते हैं, ठीक है। तो केवल क्वालिफाइंग इसमें कहा जा रहा है राइट। अगर नेक्स्ट बात करें इसमें आपका दृष्टि बाधित के लिए, तो 5% का आपका रिलैक्सेशन दिया जाता है शैक्षिक अर्हता में राइट। तो 50 का अगर 45 है तो आपका एलिजिबल हो, क्लियर है सभी को राइट। क्लियर, ये महत्वपूर्ण नोटिस है आपका, इसमें आप डिटेल्स में आप भी पढ़ सकते हो राइट, क्लियर है ना। और अगर कोई भी व्यक्ति है, कोई भी बच्चा है, अगर वो संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय से अगर बीएड करने के इच्छुक है तो उसके लिए भी 50% क्राइटेरिया रखा गया है राइट। तो आज से फॉर्म फिल किया जाएगा, तो आप लोग फॉर्म फिल कर सकते हो। ये इंपॉर्टेंट डेट दिया हुआ है कि आपका 10 तारीख से, आज शुक्रवार से फॉर्म फिल किया जाएगा ऑनलाइन, और पूरे एक महीना आप इसको फॉर्म फिल कर सकते हो राइट। तो और आवेदन जो दिखा हुआ है एडमिट कार्ड के लिए, वो 13/4 को दिया हुआ है, और एग्जामिनेशन प्रवेश परीक्षा संभावित तिथि 24 तारीख कर दिया गया है। तो अभी ये संभावित है, कन्फर्मेशन नहीं कह सकते, लेकिन हाँ ऑलमोस्ट कन्फर्मेशन आप मान सकते हो इसको राइट। तो ये अपडेट है। और अगर फीस के रिलेटेड बात करें तो भाई देखो यहाँ पे थोड़ा सा अपसेट कर देगा, जो 1000 था वो 1400 हो गया है, फीस थोड़ा बढ़ा दिया गया है। तो पहले 1400 था, फिर उन्होंने 1000 किया, अब फाइनली फिर से 1400 कर दिया गया है एज इट इज़, देख सकते हो। उत्तर प्रदेश के सामान्य और पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 1400 रुपये, और SC/ST के लिए 700 रुपये कर दिया गया है, और दूसरे राज्य के बच्चे हैं तो उनके लिए भी 1400 रुपये आपको पेमेंट करना होगा। तो थोड़ा सा बढ़ा दिया है, 400 जैसे पहले था वैसे कर दिया गया, पिछले साल थोड़ा सा कम फीस कर दिया गया था, इस बार बढ़ा दिया गया है। और अगर आप विलम्ब शुल्क करते हो तो आपको 2000 रुपये, 1000 और 2000 रुपये ये एक्स्ट्रा चार्ज करना पड़ेगा। ये PDF मैं अपने टेलीग्राम पर दे दूंगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो, उसको पढ़ सकते हो, आप भी इंपॉर्टेंट है पढ़ लीजिएगा राइट। तो जो भी अपडेट दे रहा हूँ आपको यहाँ पर, अब देख रहे हैं, कल मैंने बताया था कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा, सेम सीरीज आपको डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लेना है राइट। और आपको फॉर्म भरने में या किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत है, कुछ क्वेरीज है आपको, तो आप मैसेज कर सकते हो राइट, आप मैसेज कर सकते हो, आपको रिप्लाई कर दिया जाएगा, क्लियर है। सो यही अपडेट है, बाकी इस चीज़ को आप पढ़ सकते हो, फीस रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है एज इट इज़ है। आप एक महीने का समय है तो ईजिली भर दीजिएगा, अदरवाइज एक्स्ट्रा चार्ज देने का क्या ही फ़ायदा होगा राइट। तो ये सब डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लीजिए और अब भर दीजिए, इसमें से ऐसा कुछ नहीं है कि इन्फॉर्मेशन कुछ अलग से इन्फॉर्मेशन आ गया है, एज इट इज़ बार बार वही इन्फॉर्मेशन मैं नहीं देना चाहता हूँ राइट, क्लियर है सभी को। तो सिलेबस भी एज इट इज़ है, सब कुछ सेम इट इज़ ही है, कुछ भी इसमें बदलाव नहीं किया गया है राइट। सिलेबस की बात करें तो जैसे सिलेबस था वैसे सिलेबस ही है, इसमें भी सिलेबस में कोई परिवर्तन नहीं है राइट। इसको आप देख सकते हो, पढ़ सकते हो ईजिली, सिलेबस आप लोगों को मालूम है, क्लियर है। चलिए तो ऑल द बेस्ट, सभी लोग फॉर्म फिल कर दीजिए, और कुछ पूछना होगा तो कमेंट कर सकते हो। ये दिया गया है कि क्या क्या विकल्प आप भर सकते हो, अपने एरिया, अपने आसपास के शहर में आप सेंटर सेलेक्ट कर सकते हो, तो ध्यान से करिएगा, आपके जो पास है उसको ही फिल कीजिएगा राइट। और ये आपका कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, कॉन्टैक्ट नंबर पे अगर आपको किसी कोई भी इंफॉर्मेशन लेना है सो आप यहाँ पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ये हेल्पलाइन नंबर से राइट।
एसपी सिंह स्टेट कोऑर्डिनेटर हैं बीएड झांसी के लिए। बाकी तो कुछ ऐसे इन्फॉर्मेशन आया नहीं है, बस फीस में थोड़ा सा चेंजेस हुआ है, बाकी सिलेबस एज इट इज़ है। और ये जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको लग रहा है वो तो आप लोग डॉक्यूमेंट्स बनवा लिए होंगे, अदरवाइज़ बनवा लीजिए, भी समय है। तो अगर EWS कैटेगरी है तो इसका प्रिंट आउट निकाल के आप लोग फिल करके अपना बनवा सकते हो लेखपाल के थ्रू, ठीक है, EWS कैटेगरी के बच्चे के लिए, राइट। सो किसी भी क्वेरीज़ के लिए आप कमेंट कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्लासेस तो ज्वाइन कीजिए, अगर कुछ डाउट होता है तो वो भी आप पूछिएगा। धन्यवाद।